जय बोलो देवादि देव 1008 श्री भगवान महावीर स्वामी की जय जय जय। अहिंसा परमो धर्म की जय जय जय। परम पूज आचार्य गुरुवर श्री विद्या सागर जी महाराज की जय जय। परम पूज मुनिवर श्री प्रमाण सागर जी महाराज की जय जय जय। परम पूज मुनिवर श्री विराट सागर जी महाराज की जय। आज का दिन हमारे सांस्कृतिक इतिहास की दृष्टि से बड़ा महत्वपूर्ण दिन है। आज पूरे देश में रक्षाबंधन के इस त्योहार को बड़े उल्लास और उमंग के साथ मनाया जा रहा है। आप लोगों के मन में भी आज की तिथि को लेकर कुछ विशेष उत्साह परिलक्षित हो रहा है। वस्तुतः ये पर्व प्रेम का पर्व है और प्रेम हमारे जीवन का अंतरंग तत्व है। कुरल काव्य में लिखा है, अस्थिहीनम यथा कीटम सूर्यो दहति तेजसा तथा दहति धर्मोपि प्रेम शून्य निकीटकम्। जैसे अस्थिहीन कीड़े को सूर्य की प्रचंड किरणें पल में भस्म कर देती है, वैसे ही जैसे मनुष्य के अंतरंग में प्रेम तत्व नहीं है, उसका जीवन भी व्यर्थ हो जाता है। प्रेम हमारे जीवन का अंतरंग तत्व है। बिना प्रेम के हम किसी रूप में नहीं रह सकते। ये बात अलग है कि हर प्राणी के अंदर रहने वाला प्रेम अलग अलग स्तर पर रहता है। किसी का प्रेम कुछ लोगों तक सीमित रहता है और किसी का प्रेम व्यापक होता जाता है। जिनके प्रति हमारे मन में प्रेम होती है, उनके प्रति मन में संवेदना और सहानुभूति के भाव होते हैं, और जिनसे प्रेम नहीं होता उनके प्रति न तो कोई संवेदना होती है न किसी प्रकार की सहानुभूति। प्राणी का चेतन स्तर जितना व्यापक होता है उसके प्रेम का विस्तार भी उतना ही अधिक होता है, और जिसका चेतन स्तर जितना संकुचित होता है उसका प्रेम उतना ही सीमित हो जाता है। प्रेम शब्द अत्यंत व्यापक है। वह केवल भावनात्मक लगाव तक सीमित नहीं है। एक ही प्रेम की अभिव्यक्ति अलग अलग स्थितियों में अलग अलग रूपों में प्रकट होती है। जब हमारा किसी एक माँ का अपने बच्चे से जुड़ाव होता है तो प्रेम ममता बनकर के उभरता है। वही अपने परिवार और परिजनों से जुड़ता है तो प्रेम मोह का रूप लेकर प्रकट होता है। वही प्रेम अगर अपने मित्रों के साथ जुड़ता है तो मित्रता के रूप में प्रभावित होता है। वही प्रेम यदि गुरु के साथ जुड़ता है तो श्रद्धा के रूप में जुड़ जाता है, और वही प्रेम यदि प्रभु के साथ जुड़ता है तो भक्ति का रूप धारण कर लेता है। ममता से लेकर भक्ति तक प्रेम के अनेक रूप हैं, और यही प्रेम जब प्राणी मात्र के प्रति प्रकट होता है तो वो अहिंसा का संवेदना का रूप धारण कर लेता है। हम इस प्रेम को समझें, जिसका चेतन स्तर जितना प्रगाढ़ होता है उसका प्रेम उतना व्यापी होता है। आप देखो एक बिल्ली को, बिल्ली अपने जिस मुख से चूहे को पकड़ती है
उसी मुख से अपने बच्चे को उठाकर एक स्थान से दूसरे स्थान पर धरती। चूहे के प्रति उसके मन में क्रूरता होती है क्योंकि चूहा उसका शिकार है, भोजन है, लेकिन जब वो अपने बच्चे को ले जाती है तो बच्चा के साथ उसकी ममता प्रकट होती है क्योंकि वो बच्चा उसके कलेजे का टुकड़ा है। एक कसाई अपने जिन क्रूर हाथों से पशुओं का वध करता है, अपने उन्हीं हाथों से अपने ही बच्चों को खिलाता भी है। जब वह किसी पशु का वध करता है तो उस घड़ी में वो पशु नहीं, उसका माल होता है, और जब अपने बच्चों को खिलाता है तो बच्चा नहीं, उसके जी का लाल होता है। अंतर क्या हुआ? जिसके साथ संवेदना होती है उसके प्रति प्रेम प्रकट होता है, और जहाँ प्रेम प्रकट होता है वहीं सच्चे अर्थों में अहिंसा प्रतिष्ठापित होती है। हम अपनी संवेदनशीलता को उत्तरोत्तर व्यापक बनाने का प्रयास करें तभी आज के इस रक्षाबंधन को मनाने की सार्थकता होगी। आज के इस रक्षाबंधन के त्यौहार को, जैसा कि मैंने कल या परसों के शंका समाधान में कहा था कि ये पर्व महापर्व है, धार्मिक, सामाजिक, राष्ट्रीय, ऐतिहासिक और सांस्कृतिक हर दृष्टि से इसका महत्व है। आप लोग मनाते हो और व्यवहारिक रूप में इसका सबसे अधिक प्रकट रूप प्रेम भाव के प्रदर्शन में होता है। आप लोग अपनों के साथ अपना प्रेम जताते हो, प्रेम दिखाते हो, एक दूसरे के साथ रक्षा सूत्र से संबंध जोड़कर एक दूसरे के संबंधों में स्थायित्व और माधुर्य लाने की भावना भाते हो। मुख्य रूप से भाई बहन का रिश्ता रक्षाबंधन से ज़्यादा रूढ़ हो गया है, लेकिन नहीं, यहाँ भाई बहन से भी प्रेम होना चाहिए, तो हमें धर्म से भी प्रेम होना चाहिए, समाज से भी प्रेम होना चाहिए, राष्ट्र से भी प्रेम होना चाहिए और संस्कृति से भी प्रेम होना चाहिए। सारे प्राणी मात्र के प्रति प्रेम का मनोभाव अपने हृदय में प्रकट आना चाहिए। आज मैं आपसे कहता हूँ, रक्षाबंधन आप बनाना चाहते हो, एक स्त्री अगर अपने भाई की कलाई में एक बार धागा बांध देती है तो उसके रिश्ते पूरे जीवन भर के लिए पवित्र हो जाते हैं। फिर स्त्री पुरुष का संबंध स्त्री पुरुष का नहीं होता, अपितु भाई बहन जैसा संबंध हो जाता है। ये पवित्रता इस राखी की है, ये एक दूसरे के साथ संकल्प से जुड़ने की बात है। आज मैं आपको कहता हूँ, भाई बहन को राखी तो आप बरसों से बांधते आए हैं, आज की रक्षाबंधन को नए तरीके से मनाओ। सबसे पहला सूत्र रक्षा का बांधना है तो प्रकृति के साथ बांधो, प्रकृति की रक्षा का संकल्प लो, जिसकी आज बेहद आवश्यकता है। प्रकृति का अंधाधुंध दोहन आज एक बहुत बड़ी विकराल समस्या का रूप ले लिया है। पर्यावरण की बिगड़ती दशा, फैलता हुआ प्रदूषण, इसका जिम्मेदार कौन है? प्राकृतिक संसाधनों का अंधाधुंध दोहन, इसका जवाबदार कौन है? जल, जंगल, जमीन, इन सब के ऊपर संकट, इसका जवाबदार कौन है? ये आप सबको तय करना है कि मैं अपने जीवन में जहां तक बनेगा प्राकृतिक संतुलन को बनाने का संकल्प लूंगा। मैं जब समेत शिखर जी की यात्रा के लिए जा रहा था, रास्ते में हमें एक घना जंगल मिला,
हजारीबाग से शिखर जी जाते समय एक जंगल पड़ता, भीलवाड़ा का जंगल, भीलवाड़ा का जंगल, बड़ा घना जंगल। मैंने कहा ये जंगल बड़ा घना है, तो मेरे साथ के लोगों ने कहा महाराज हाँ, इन सारे पेड़ों का रक्षाबंधन हो चुका है, इसे कोई हाथ नहीं लगाता। मुझे बड़ी प्रेरणा मिली। वो अनपढ़ लोगों ने रक्षाबंधन किया, गांव के लोगों ने रक्षाबंधन किया और उन पेड़ों की सुरक्षा की। मैं आपसे केवल इतना कहता हूं, क्या ये आपकी अपनी जिम्मेदारी नहीं है? आए दिन जो प्राकृतिक आपदाएं आ रही है, वह पर्यावरण के बिगड़ते हालातों के कारण नहीं है, पर्यावरण की शुद्धि के लिए आप सब ध्यान दें। वनों की अंधाधुंध कटाई और ओजोन की परत में बढ़ती हुई दरार, इन सब का जिम्मेदार आप हैं। एक पर्यावरण को प्रदूषित करने में सबसे बड़ा कारण बन रहा है प्लास्टिक का अंधाधुंध प्रयोग। अभी मेरे पास एक पत्रिका आई, मैं उसे पलट रहा था, उसमें लिखा कि प्रतिवर्ष भारत में 15,000 टन प्लास्टिक समुद्र में जाता है। समुद्र में कितनी अधिक मात्रा में मछलियों से ज्यादा तो प्लास्टिक है। 15,000 टन केवल भारत से, ये कितना विचारणीय सवाल है। अगर इसी तरह से प्लास्टिक का अंधाधुंध प्रयोग होगा, उसमें समुद्री जीव उन प्लास्टिक को निगल जाने से उनकी भोजन नली या श्वास नली अवरुद्ध हो जाती, तो अकाल मौत के भी शिकार होते हैं। समुद्र में इतनी अधिक मात्रा में प्लास्टिक का पहुंचना आने वाले एक बहुत बड़े खतरे का द्योतक है। और समुद्र की बात तो जाने दीजिए, आप प्लास्टिक का जिस तरह से अंधाधुंध प्रयोग करते हैं और घर की खाद्य सामग्री को उस प्लास्टिक की पॉलिथीन में पैक करके डालते हैं, गाय बैल उसको खाते हैं, उनके पेट में वो प्लास्टिक जाता है, अकाल मौत के शिकार बन जाते हैं। इसका जिम्मेदार भागीदार कौन है, कभी आपने विचार किया? हमने गौशालाओं में देखा, गायों के पेट से 36 किलो प्लास्टिक निकला, एक गाय के पेट से 36 किलो प्लास्टिक। आप कल्पना कर सकते हैं कि ऐसा करके आप क्या कर रहे हैं? आपने अपनी थोड़ी सी सुविधा देखी, पर उसके अंजाम पर आपने कभी विचार नहीं किया। ये सबकी जिम्मेदारी, एक एक व्यक्ति व्यक्ति की जिम्मेदारी है। केवल सरकार कानून बनाकर इस पर रोक नहीं लगा सकती। हालांकि महाराष्ट्र और कुछ अन्य सरकारों ने प्लास्टिक के प्रयोग पर पूर्ण प्रतिबंध लगाकर एक बहुत ही अनुकरणीय पहल उत्पन्न की है, पहल की है। पूरे देश में ऐसा होना चाहिए, कम से कम उस प्लास्टिक के प्रयोग पर प्रतिबंध लगना चाहिए जिसकी रिसाइकिलिंग नहीं होती, ताकि इसे रोका जा सके। विश्व में सबसे ज्यादा प्लास्टिक का प्रयोग भारत में होता है और इतना कचरा आप सब फैलाते हैं। आज के इस रक्षाबंधन के दिन आप संकल्प ले कि हम कैरी बैग के रूप में पॉलीथीन का प्रयोग नहीं करेंगे, उसकी जगह हमारे जो परंपरागत व्यवस्था थी हम उसका अनुपालन करेंगे, तो एक बहुत अच्छी पहल आपके द्वारा होगी। आप ऐसा कर सकते हैं। छोटा सा आपकी ये छोटी सी पहल एक बहुत बड़ी जागरूकता का आधार बनेगी और इससे देश में एक बहुत अच्छा संदेश जाएगा। आप सबको संकल्प लेना चाहिए, न केवल यहाँ उपस्थित लोग अपितु पूरे देश में जो भी इस कार्यक्रम को देख रहे हैं, मैं उन सब से कहना चाहता हूँ संकल्प लीजिए। कुछ स्थानों पर कोटा में महिलाओं ने एक बहुत अच्छी पहल की, वे वहाँ पुरानी साड़ियाँ एकत्रित करके उनसे थैले बनाती हैं और बहुत अच्छे से प्रयोग हो रहा है।
वे लोग कोटा को प्लास्टिक फ्री करने की योजना में लगे हुए हैं, काम कर रहे हैं। ये काम सबको करना चाहिए। आज स्वच्छ भारत का अभियान छेड़ा गया है, तो आपको भी इस दिशा में कुछ कार्य करना चाहिए। पर्यावरण को बिगाड़ने का कोई काम हम अपने जीवन में ना करें। ये पहला प्रकृति की रक्षा का संकल्प तुम्हारा होना चाहिए। दूसरा, राष्ट्र की रक्षा का संकल्प। राष्ट्र की रक्षा का संकल्प, हम राष्ट्र की रक्षा करेंगे, राष्ट्रीय हितों में कहीं बाधक नहीं बनेंगे, ऐसा कोई कर्म नहीं करेंगे जिससे हमारी राष्ट्रीय संपत्ति को नुकसान होता हो, राष्ट्र को कोई क्षति पहुंचती हो या हमारी राष्ट्र की छवि बिगड़ती हो। ये जिम्मेदारी तुम्हारी है या नहीं, बोलो। आपका अपने देश के प्रति क्या समर्पण, जिस देश की मिट्टी में तुम जन्म लिए हो, जिस देश का अनाज खाते हो, जिस देश का पानी पीते हो और जिस देश की हवा लेते हो, उस देश के प्रति तुम्हारा कैसा समर्पण, कभी इस पर विचार किया? हम लोग धर्म की बातें करते हैं, सुनते हैं, तो जब कभी भी धर्म की बातें हमारे सामने आती, हम अपनी धार्मिक क्रियाकलापों को करके आत्मसंतुष्टि का अनुभव करते हैं। पर बंधुओं, धर्म को इतने सीमित दायरे पर रखना ठीक नहीं है, हमें उसे व्यापक संदर्भ में समझना चाहिए। राष्ट्रीय कर्तव्यों का पालन भी तुम्हारा एक धर्म है, इसे कभी भुलाना नहीं चाहिए। संकल्प लीजिए। आजकल लोग राष्ट्रीय संपत्ति पर का खुले आम दुरुपयोग करते हैं। आपको चाहिए कि नहीं, हम ऐसा नहीं करेंगे, और कोई भी राष्ट्रीय आपदा हो तो उसे अपनी आपदा समझेंगे, उस आपदा के निवारणार्थ कुछ हम सार्थक पहल करेंगे, ये प्रयास आपको करना चाहिए। वर्तमान में हमारे देश का एक भूभाग बहुत बड़ी त्रासदी के दौर से गुजर रहा है। तुम उत्सव मना रहे हो, वहां हाहाकार मचा हुआ है। तुम्हारा दायित्व बनता है कि आगे बढ़कर उनकी सहायता के लिए अपने हाथ आगे बढ़ाओ। आज उसकी आवश्यकता है। देश में इस बात का विवाद चल रहा है कि इसके लिए विदेशों से सहायता ली जाए या न ली जाए। मैं तो ये कहता हूं, जो इस विषय पर विवाद करते हैं कि विदेशों से पैसा ली जाए, लिया जाए या न लिया जाए, उन्हें विवाद छोड़कर देश भर के लोगों को इतने उत्साह से आगे आना चाहिए कि हमें किसी से कुछ लेने की जरूरत ही ना पड़े। इतना बड़ा देश है और इसमें इतने अधिक संसाधन हैं, यदि लोग थोड़ी थोड़ी भी सहायता दे तो भारत को कभी किसी के आगे हाथ फैलाने की नौबत ही नहीं आएगी। भारत इतना सक्षम है कि औरों को सहायता दे सकता है, इसे सहायता लेने की क्या आवश्यकता। ये आप सबकी जिम्मेदारी होती है कि इस आपदा की घड़ी में आप कुछ न कुछ सहयोग करें। भारत तो वह देश है जहां ऐसी परंपरा रही है कि किसी भूखे को भोजन कराने की बात आए तो अपने दो रोटी में से एक रोटी उसको पकड़ा दे, और उसमें भी संतुष्ट ना हो तो खुद भूखे रहे और सामने वाले का पेट भर दे। ये हमारी संस्कृति है। हम उस संस्कृति के अनुयायी हैं। रंती देव की उस कहानी को याद रखो, जो भूख से व्याकुल थे, कहीं से चार रोटी मिली 40 दिन के बाद। 40 दिन तक भूखे रहने के बाद चार रोटियां मिली और खाने ही वाले थे कि तभी मन में विचार आया, कैसा भागा हूं कि आज बिना अतिथि को भोजन करा करके भोजन कर रहा हूं, काश कोई अतिथि होता। इतना सुनना था, इतना सोचना था कि द्वार पर एक अतिथि आ गया, वो भी भूखा था, उसने अपने हिस्से की एक रोटी उसे दे दी। जब उससे भी उसकी तृप्ति का भाव नहीं दिखा तो अपनी धर्म पत्नी के हिस्से की रोटी उसे दे दी। उस पर भी जब तृप्त नहीं हो सका तो अपने पुत्र के हिस्से की रोटी दी।
और जब उसमें भी तृप्त नहीं हुआ तो चौथी रोटी जो अपनी पुत्र वधु के हिस्से की थी वो भी उसे दे दिया और खुद पानी पी करके संतोष से रह गए। चारों रोटी दिया और मन में इस बात की प्रसन्नता हुई कि आज इस विपत्ति की घड़ी में भी मैं अपने अतिथि सत्कार का कर्तव्य पूरा करने में सफल हो रहा हूँ, ये मेरा सौभाग्य है। जब उसने ऐसा किया तो कहते हैं देवता प्रकट हुए और देवता ने कहा कि तुम परीक्षा में पास हो गए हो, वाकई में तुम जैसा पर दुख कातर और इंसान इस धरती पर नहीं है, हम तुम्हारे इस वृत्ति से प्रसन्न हैं। मांगो तुम क्या मांगते हो, मांगो तुम क्या मांगते हो। और अंतिदेव ने जो बात कही वो भारत की संस्कृति का आदर्श बन गया। उनने कहा न तो हम काम ये राज्यम न स्वर्गम न पुनर्भवम, न तो हम काम ये राज्यम न स्वर्गम न अपुनर्भवम, काम ये दुख तप्तानाम प्राणिनाम अर्तिनाशनम। हे प्रभु आप मुझे देना चाहते हो तो मैंने राज्य की कामना करता हूँ, न स्वर्ग की कामना करता हूँ, न मोक्ष की कामना करता हूँ। यदि आप मेरी कामना ही पूरी करना चाहते हैं तो मेरे हृदय में केवल एक और एक कामना है कि मैं दुख से उत्तप्त प्राणियों की पीड़ा को नष्ट कर सकूँ, उनकी पीड़ा को दूर कर सकूँ, बस ये हमारी कामना है, ये हमारी संस्कृति है, हमें उसका अनुपालन करना चाहिए। और जब कभी कोई व्यक्ति कोई प्राणी आपदा में ग्रसित दिखे तो अपनी संपदा को लुटाने में कोई संकोच नहीं करना चाहिए, खुले दिल से इसका काम करना चाहिए। आज पूरे देश के लोगों को केरल की जनता के साथ खड़े होने की आवश्यकता है। तुम्हारा अंशदान उनके लिए बहुत कुछ आधार बनेगा। ये तो प्रकृति का प्रकोप है, उसका ये कुपरिणाम है और जिम्मेदार आप खुद हो। आपने हिंसा का रास्ता अपनाया, आपने प्रकृति के साथ खिलवाड़ की, उसका एक परिणाम निकला। आज भी आप नसीहत लो कि हम हिंसा का रास्ता नहीं अपनाएंगे और प्रकृति के साथ छेड़खानी नहीं करेंगे, ताकि आने वाले दिनों में ऐसी घटनाओं की पुनरावृत्ति कम हो सके। और इस त्रासदी की घड़ी में आप सबको आगे आकर हाथ बढ़ाना चाहिए, उनका साथ निभाना चाहिए, ये धर्म नहीं मानवीय कर्तव्य है। और एक बात मैं आप सबसे कहना चाहता हूं, जब भी मानवीयता की बात आए से धर्म और पुण्य पाप से ऊपर उठ करके करना, मानवीयता का स्थान धर्म से ऊंचा है। जिस मनुष्य के हृदय में मानवीय भावना जागृत नहीं होती वो धर्मी भी नहीं हो सकता। हर कार्य को पुण्य पाप से जुड़कर मत करो, जो मानवीय भावनाओं से जुड़ी हुई बातें हैं उनको तो केवल मानवीय कर्तव्य मान करके करना चाहिए। ये हमारा कर्तव्य है, ये हमारा फर्ज है, इसे हमें हर हाल में करना है, ये हमारी दृष्टि होनी चाहिए। भारत में धर्म से ज्यादा मानवीय भावनाओं को महत्व देने के अनेक उदाहरण हैं। एक बड़े संत थे, उन्होंने एक ग्रंथ लिखा, बड़ा प्रभावशाली ग्रंथ था और उनके बड़े अनुयायी थे। उनके अनुयायियों ने उस ग्रंथ के प्रकाशन के लिए चंदा एकत्रित किया, एक अच्छी राशि उसके प्रकाशन के लिए तैयार हो गई। संयोग ऐसा हुआ कि उस साल पूरी इलाके में अकाल आ गया, लोग दाने दाने के लिए मोहताज हो गए। संत ने उस सारी राशि को अकाल पीड़ितों में बांट दिया। बड़ा पुस्तक के प्रकाशन, ग्रंथ के प्रकाशन से भी ज्यादा जरूरी अकाल पीड़ितों की सेवा है। फिर जब सुकाल हुआ, लोगों ने फिर से चंदा इकट्ठा किया, ग्रंथ प्रकाशन के लिए रखा, तो ऐसा हुआ कि दूसरी बार पूरे इलाके में बाढ़ आ गई, त्राही त्राही मच गई। उनने पूरा पैसा बाढ़ पीड़ितों के लिए समर्पित कर दिया। फिर सुकाल आया, लोगों ने पैसा इकट्ठा किया। तीसरी बार जब पैसा इकट्ठा हुआ तो ग्रंथ का प्रकाशन हुआ और ग्रंथ के प्रकाशन में लिखा गया तीसरा संस्करण।
लिखा गया तीसरा संस्करण। सबके सब आश्चर्यचकित हो गए कि ग्रंथ का पहली बार प्रकाशन हो रहा है और उसमें तीसरा संस्करण क्यों। तो उनने लिखा, पहला संस्करण अकाल पीड़ितों को समर्पित हुआ, दूसरा संस्करण बाढ़ पीड़ितों को संस्करण हुआ समर्पित हुआ, और तीसरा संस्करण भक्तों के लिए समर्पित हो रहा है। हमें ये देखना चाहिए, ये एक प्रेरणा है कि हम एक तरफ हमारे धर्म के कार्य है और एक तरफ हमारे मानवता की पुकार है, हम किसको प्राथमिकता दें। तो मैं तुम सबसे कहना चाहता हूं, अपने धर्म की क्रिया को थोड़ी देर के लिए गौण कर दोगे तो कुछ नहीं बिगड़ेगा, पर मानवता से अगर विमुख हो जाओगे तो सब कुछ तहस नहस हो जाएगा। अपने मानवीय कर्तव्यों को कभी मत भूलना। आज आपके सामने एक बहुत बड़ा प्रश्न खड़ा है जिसका समाधान आप सबको जुटाना है। पूरे देश भर के लोग अपने सहयोग के लिए हाथ आगे बढ़ा रहे हैं। मैं चाहता हूं रतलाम की जैन समाज भी बढ़ चढ़ करके हिस्सा ले और इस मानवीय त्रासदी के निवारण में अपना उत्कृष्ट योगदान दे, तो ये आपका रक्षाबंधन सार्थक होगा। आज यहाँ घोषणाएं होनी चाहिए, एक व्यक्ति ऐसा ना बचे जिसका योगदान उस कार्य में ना हो, और जो भी राशि एकत्रित हो उसे एकत्रित करके इसी मंच के माध्यम से संबंधित विभाग तक पहुँचाया जा सके ताकि लोगों को कुछ राहत मिल सके। बंधुओं, ये किसी के साथ भी हो सकता है, ये तुम्हारा कर्तव्य है। तो मैंने आपसे कहा प्रकृति की रक्षा का संकल्प लो, राष्ट्र की रक्षा का संकल्प लो, ये तुम्हारा दायित्व है। और तीसरा संकल्प संस्कृति की रक्षा का, संस्कृति की रक्षा का। हमारी संस्कृति हमारी सबसे बड़ी धरोहर है। हम सब कुछ खो देंगे लेकिन अपने सांस्कृतिक गौरव को कभी नहीं मिटने देंगे। हर व्यक्ति के अंदर ये मनोभाव होना चाहिए, उसकी जिम्मेदारी है कि हम अपनी संस्कृति को बढ़ावा देंगे, संस्कृति को किसी भी तरह से क्षति नहीं पहुंचने देंगे, ऐसा कोई कर्म नहीं करेंगे जिससे हमारी सांस्कृतिक भावनाएं प्रभावित होती हो, जो हमारी संस्कृति पर कुटाला घात करते हों। हमें इन पर ध्यान देने की जरूरत है। बंधुओं, आज हम बड़े भाग्यशाली हैं कि हम ऐसे संस्कृति में जन्म लेने वाले लोग हैं, ऐसे संस्कृति में पलने और बढ़ने वाले लोग हैं जिसका आदर्श आज भी पूरे विश्व में बहुत ऊंचा है। हमें वो संस्कार मिले हैं, तो हमें चाहिए कि हम उन संस्कारों के प्रवाह को आगे तक बढ़ाएं। अब संस्कृतियों से अपनी संस्कृति को बचाएं, उस अपसंस्कृति से अपने आप को बचाने का उपक्रम करें। आज अपसंस्कृतियां दिनों दिन पांव पसार रही है और उससे हमारी सांस्कृतिक चेतना नष्ट भ्रष्ट हो रही है। आज का मीडिया और आज का पूरा वातावरण अपसंस्कृतियों को फैलाने का बहुत बड़ा काम कर रहा है, उससे अपने आप को अप्रभावित रखें और सांस्कृतिक यज्ञ को आगे बढ़ाने के लिए हम आगे आए, जिससे हमारी संस्कृति बलवती हो, जिससे हमारी संस्कृति को पुष्टि मिले, जिससे हमारी संस्कृति गौरव को प्राप्त हो। हमें वैसा कर्म करना चाहिए, अपनी संस्कृति के लिए जितना बन सके हम बढ़ चढ़ करके करेंगे। बंधुओं, आज की तिथि में विष्णु कुमार मुनिराज ने अकम्पनाचार्य आदि 700 मुनिराजों के उपसर्ग का निवारण किया। वो क्या किया? हमारी संस्कृति की रक्षा का एक बहुत बड़ा उपक्रम किया, बहुत बड़ा उपक्रम किया। वो चाहते तो अपने ज्ञान से जान सकते थे और उस क्षुल्लक जी से कह सकते थे कि परेशान मत हो, परेशान होने की कोई जरूरत नहीं है, ये सारे मुनिराज ज्ञानी ध्यानी हैं, वे सब अपनी आत्मा में डूबे हुए हैं, ये सब ध्यान करेंगे इनको स्वर्ग मिलेगा और मोक्ष मिल जाएगा, इनको स्वर्ग भी मिलेगा मोक्ष मिल जाएगा, बता देते इतने मुनि मोक्ष जाएंगे इतने मुनि स्वर्ग जाएंगे। कदाचित ऐसा करते तो उन मुनियों को मोक्ष या स्वर्ग तो मिल ही जाता, अकम्पनाचार्य और उनके संघ को मोक्ष मिलता स्वर्ग मिलता, लेकिन मोक्ष मार्ग हमेशा हमेशा को बंद हो जाता। एक सच्चा धर्मात्मा केवल अपने कल्याण की बात नहीं सोचता,
आने वाली पीढ़ियों का भी कल्याण होता रहे ये बात सोचता है। इसी वजह से उन्होंने अपने संयम की मर्यादा का त्याग किया, मुनि व्रत को छोड़ा, एक बटुक का भेष बनाया और राजा बलि को सबक सिखाया। और राजा बलि को सबक सिखाकर हमेशा हमेशा के लिए मुनियों की बलि बंद कर दी। ये किस बात का द्योतक है? ये संस्कृति प्रेम का प्रतीक है। हम केवल अपनी बात न सोचे, अपने साथ आने वाली पीढ़ियों की भी बात सोचे। तुम व्यक्तिगत रूप से अपने जीवन की समझ को पाकर जीवन के लिए जो आवश्यक और अपेक्षित है वो कर रहे हो, इतना मात्र पर्याप्त नहीं है। आने वाली पीढ़ियां भी उसका लाभ ले सके, ये प्रयास होना चाहिए। हमें जो सांस्कृतिक विरासत मिली है वो यूं ही नहीं मिली, इसमें अकलंक निकलंक जैसे कईयों का बलिदान हुआ है, तब ये परंपरा हमारे पास तक आई है। तो हमारी जवाबदारी होती है कि हम इसी विरासत को आने वाली पीढ़ियों तक अक्षुण्ण रूप से पहुंचाएं। और जिस तरह के उपायों से सांस्कृतिक चेतना जागृत होती है उसका हम प्रबंध करें। हमारे जितने भी धर्मायतन है, मंदिर है, वह सब हमारे सांस्कृतिक चेतना के उद्घोषणा के आधार है। इनके माध्यम से हमारे संस्कृति का संवाहन होता है, सांस्कृतिक प्रवाह आगे बढ़ता है। हमें चाहिए कि हम इनके गौरव को आगे बढ़ाएं, आने वाली पीढ़ियों को भी उससे प्रेरणा मिले और वर्तमान पीढ़ी के अंदर हम एक ऐसी चेतना जगाएं जिससे उनकी सांस्कृतिक निष्ठा सर्वोपरि हो जाए, वो पाश्चात्य सभ्यता और संस्कृति के प्रति झुकाव बढ़ाने की जगह अपने सांस्कृतिक गौरव से अपने जीवन को गरिमा प्रदान कर सके। ये होना चाहिए। हमारे देश के लोगों की संस्कृति के प्रति क्या निष्ठा थी मैं आपको बताना चाहता हूँ। चीनी यात्री ह्वेन सांग जब भारत आया, एक लंबे समय तक उसने भारत में अध्ययन किया। यहाँ से अध्ययन करने के बाद जब वो भारत से बाहर वापस जा रहा था चीन की ओर, यहाँ से काफ़ी कुछ ग्रंथ लेकर के गया। रास्ते में नदी थी, नदी नाव से पार करना था, अचानक नाव का भार बढ़ गया, नाव का संतुलन बिगड़ने लगा। नाविक ने कहा कि नाव का भार कुछ कम करना होगा। तभी हम जा पाएंगे। तो उनने एक सुझाव दिया, एक काम करो, नाव से कुछ ग्रंथों को नदी में डाल दो, भार हल्का हो जाएगा, हम इस पार से उस पार चले जाएंगे। नाव से कुछ ग्रंथों को उतार कर नदी में डाल दो, भार हल्का हो जाएगा, हम इस पार से उस पार चले जाएंगे। जैसी ये बात कहने में आई, उस पर सवार भारतीय युवकों ने फट से नदी में छलांग लगा दी और कहा, हम अपना प्राण दे सकते हैं लेकिन संस्कृति को नष्ट नहीं कर सकते। ये साहित्य हमारे प्राण हैं जो बहुत मुश्किल से बने हैं, हम मर भी जाएंगे तो दोबारा आ जाएंगे। ये हमारा सांस्कृतिक गौरव। आप देखिए अपनी संस्कृति के प्रति तुम्हारे मन में क्या प्रेम है, वो भावना तुम्हारे अंदर होनी चाहिए प्रगाढ़ से प्रगाढ़तर, तो हमारी सांस्कृतिक परंपराएं चलेगी, सांस्कृतिक भावना का प्रवाह हमारे अंदर होगा, जीवन अपने आप संतुलित होगा, अपने आप सुखी होगा, फिर हमें कुछ कहने और करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। नंबर चार, धर्म के प्रति हम रक्षा का भाव रखें। एक सूत्र धर्म के साथ जोड़े, वह सूत्र जो धर्म और धर्मात्मा की रक्षा के लिए उत्साहित करे। आज की तिथि में सुबह से लोग राखियां लेकर के आ रहे, राखी तुम मंदिर में भी समर्पित कर रहे हो, गुरुओं के चरणों में भी रक्षा का सूत्र तुम समर्पित करते हो, इसका मतलब क्या?
एक बार तो एक बच्चे ने कहा, महाराज आप हमारी रक्षा करना इसलिए हम राखी दे रहे हैं। हम बोले बिल्कुल सही बात तुमने मन की कर दी, बाकी भी जो आते हैं वो इसी भाव से आते हैं। ध्यान रखना, रक्षा का सूत्र तुम रख रहे हो, वो रक्षा का सूत्र नहीं, तुम्हारी प्रतिबद्धता का प्रतीक है कि मैं देव गुरु और धर्म के प्रति प्राण प्रण से समर्पित रहूंगा। जब कभी भी जरूरत पड़ेगी सर्वस्व न्योछावर करने के लिए तत्पर रहूंगा। ये तुम्हारा मनोभाव होना चाहिए। केवल राखी के धागे को रख देने का नाम समर्पण नहीं है। तुम बाहर से राखी को रखो या न रखो, अंतरंग व समर्पण तुम्हारे अंतरंग में होना चाहिए कि नहीं, धर्म मेरी सर्वोच्च प्राथमिकता में होगा। मैं जब भी धर्म और धर्मी की बात आएगी अपने निजी कार्यों को गौण करूंगा और इन्हें प्राथमिकता दूंगा। ये मनोभाव तुम्हारे भीतर होना चाहिए। यदि ऐसा मनोभाव जाग गया तो फिर कुछ भी कम नहीं होगा। तब तुम्हारा धर्म से भी प्रेम और धर्मी से भी प्रेम। मैं देखता हूं लोगों का धर्म से तो फिर भी प्रेम दिखता है, लेकिन धर्मी से प्रेम कम दिखता है। जबकि आचार्य समंत भद्र महाराज ये बड़े साफ शब्दों में उद्घोषित करते हैं, न धर्मो धार्मिकैर बिना, धर्मात्मा के बिना धर्म नहीं। यदि तुम्हारे मन में धर्मी से प्रेम नहीं तो समझना धर्म से भी प्रेम नहीं। धर्म से प्रेम है तो धर्मी से भी प्रेम होगा ही होगा। धर्म से प्रेम होगा तो धर्मी से भी प्रेम होगा। अगर धर्मी से प्रेम नहीं तो धर्म से भी प्रेम नहीं। धर्मी से प्रेम करना सीखो। जो भी धर्म का आचरण करते हैं उनके प्रति तुम्हारे मन में बहुमान का भाव होना चाहिए, और जब भी मौका आए उनको सेवा, उनको सहयोग, उनकी सेवा, उनका सहयोग, उनका संरक्षण और समादर का मनोभाव होना चाहिए। सेवा, सहयोग, संरक्षण और समादर, यही धर्मी के प्रति प्रेम के अभिव्यक्ति के आधार है। धर्मी से प्रेम का मतलब ये नहीं कि उनको देखकर एक मुस्कान दे दो। धर्मी से प्रेम का मतलब ये नहीं कि मौका आने पर गले लग जाओ। संत कहते हैं गले लगे या लगो या न लगो, कभी वो उसके साथ कोई दुख हो गम हो तो उसे मिटाने के लिए आगे आओ, उसकी सेवा करो, उसका सहयोग करो, उसे संरक्षण दो, उसका समादर करो। यही साधर्मी वात्सल्य का एक उत्कृष्ट उदाहरण है। हमें चारों स्तर पर गहराई से विचार करना चाहिए। हम धर्म और धर्म संबंधी व्याख्याएं अक्सर कर लेते हैं और उन पर काफ़ी ज़्यादा ध्यान भी देते हैं, लेकिन संत कहते हैं धार्मिक कर्तव्य तो व्यक्तिगत रूप से होते हैं, हमारे सामाजिक कर्तव्य भी बहुत बड़े हैं, उनको हमें ध्यान रखना चाहिए। तो आज रक्षाबंधन आप लोग उसी रूप से मनाएं। हमारे गुरुदेव का ध्यान इन चारों बिंदुओं पर है। वे प्रकृति को, संस्कृति को, धर्म को और आपके जाकर के राष्ट्र को, सबको आगे बढ़ाने के लिए हमेशा उत्साहशील रहते हैं। हम उन चारों बिंदुओं को ध्यान में रखकर अगर आगे बढ़ेंगे तो ये रक्षाबंधन मनाना सार्थक होगा। बंधु, आज मैंने आप सबसे कहा, जो लोग यहाँ उपस्थित हैं, जो लोग ऑनलाइन सुन रहे हैं, केरल की आपदा के लिए बढ़ चढ़ करके हिस्सा ले। आज मैं अपना प्रवचन 10 मिनट कम कर रहा हूँ और वो 10 मिनट केवल इसलिए समर्पित कर रहा हूँ ताकि अभी आप सब उद्घोषित करें और वो सारी राशि यहाँ एकत्रित करके एक दिन उसे यहाँ के जिला कलेक्टर के माध्यम से, जिलाधीश के माध्यम से तक वहाँ तक पहुँचाई जाए, जो वहाँ के बाढ़ पीड़ितों के काम में आए। आप सबको, कोई व्यक्ति यहाँ ना बचे जो अपना कोई योगदान न दे। बच्चे भी अपने पॉकेट मनी से जरूर उस कार्य में कुछ दे, और जो भी घोषणाएं हैं यहाँ से भी मंच के माध्यम से घोषणा की जाए। जो लोग अपने घरों में सुन रहे हैं वे भी सूचना यहाँ पहुँचा सकते हैं, उनकी घोषणा भी यहाँ अभी और शाम तक की जा सकती। आज और कल ये कार्यक्रम इसी तरीके से जारी रहे ताकि एक अच्छी राशि एकत्रित करके हम गरिमापूर्ण तरीके से उन तक पहुंचा सके। सबका ये रक्षाबंधन पर अपना दृष्टिकोण बने और उसे और आज श्रेयांशनाथ भगवान का मोक्ष कल्याणक है,
हम लोग उनके चरणों में लाडू भी अर्पित करेंगे और वो लाडू अर्पित करने का कार्यक्रम अभी प्रवचन के बाद होगा। आप लोग उसमें अपनी सहभागिता दें और इस मानवीय त्रासदी को दूर करने की हृदय में भावना भाते हुए सहयोग का हाथ बढ़ाएं और साथ ही साथ ऐसी प्रार्थना और कामना करें कि हे भगवान, इस धरती पर कहीं किसी कोने में भी किसी भी प्रकार की आपदा विपदा संकट ना आए। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत् की भावना के साथ मैं विराम ले रहा हूँ। जो भी नाम आप सब देना चाहें जरूर दें और इसकी घोषणा यहाँ से हो। बोलिए परम पूज्य आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज। जय बोलिए परम पूज्य मुनिवर श्री प्रमाण सागर जी विराट सागर जी महाराज की। जय जय।